नाहिद, उर्दू के चार मजबूत सुतून हैं और इन चार सुतूनों पर उर्दू की शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स की दुनिया टिकी हुई है। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, हाँ इनसे पहले अगर कोई है तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। सबके अलग अलग अंदाज, अलग अलग नजरिए और अलग अलग रंग। जाती तौर पे मुझे मंटो बहुत पसंद है, उनकी कहानियां दिलो दिमाग को छू जाती हैं। ये मैं एक कहानी पढ़ रहा था उनकी, सौदा बेचने वाली, बहुत छोटी सी कहानी है, सुनोगी? आई वुड लव टू, बिना मतलब मैं जरूर सुनना चाहूंगी। सुहेल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों की दोस्ती की वजह यह थी कि दोनों हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, दिल फेंक थे, लेकिन बद किरदार नहीं थे। उनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने जब बीए पास किया तो बीए पास करने की खुशी में उन्होंने एक बड़ी दावत दी। शोला जो करके दिल मेरा धड़के, शोला जो करके दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़े बड़े के। शोला जो करके दिल मेरा धड़के, शोला जो करके दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़े बड़े के। बात बताओ, ये सामने कत्थे सूट में जो लड़की बैठी है कौन है? पहले कभी देखा नहीं इसे। वो जमीला है, सलमा की छोटी बहन। क्यों, बात क्या है? बस ऐसे, पहले कभी देखा नहीं उसे इसलिए पूछा। बहुत ही नेक लड़की है और सलमा के मुकाबले हसीन भी बहुत है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। जमील, तुम आदत से बाज नहीं आओगे। अब क्या किया मैंने? हसीन लड़की देखी नहीं कि बस फिसल गए, जैसे केले के छिलके पे पैर रख दिया हो। सोहेल, अरे अरे अरे, सोहेल के पास जा रहे हो या फिर केले के छिलके के पास? तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। सोहेल, सोहेल तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। चल ना। अरे चल यार, बैठ बैठ। हाँ मियाँ बोलो। यार हम तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। माशाल्लाह मियाँ, लेकिन हमें पता तो चले कि कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसने हमारे दोस्त को अपनी जुल्फे गिरहगीर का असीर बना लिया। वो कथे सूट में जो लड़की बैठी है ना, उसका नाम जमीला है, अपने सलमा की छोटी बहन। अब हटाओ यार, इस लड़की में तुमने ऐसा क्या खास देखा जो इस बुरी तरह इस पर फरिश्ता हो गए? तुम्हें हुस्न की परख नहीं, अपना अपना दिल है। जमीला में अगर तुम्हें कोई बात नजर नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई ना दी हो। देखो तुम नाराज हो रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारी ये जो जमीला है ना, ये बर्फ की डली है। हरारत इसमें नाम को भी नहीं है, और यह औरत का तो दूसरा नाम ही हरारत है। यहाँ हरारत पैदा कर ली जाती है। हाँ, बर्फ में। बर्फ भी तो हरारत से ही पैदा होती है। तुम्हारी ये दलील बड़ी अजीबोगरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा तुम्हें यही रहेगा कि जमीला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो।
इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम माशाल्लाह इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। चलो अभी चलते हैं। दोनों में हल्की सी तकरार हुई लेकिन जल्दी ही सुलह भी हो गई। सुहेल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार था, उस तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत यह थी कि बड़ी बहन सलमा दिले दिल जमील को मोहब्बत की नजर से देखने लगी थी। अरे आप, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे देखकर इतने हैरान क्यों गई? आप कहें तो वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरा दिल कह रहा था कि आज आप आएंगे। मतलब? मतलब ये जनाब कि जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ। आप आइए ना, अंदर आइए। चलिए। बैठिए ना। जी शुक्रिया। हम अभी आते हैं। जी जी। आदाब जमीला। आदाब, बैठी ना। शुक्रिया। माशाल्लाह, इस पोशाक में आप गजब की खूबसूरत लग रही हैं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं सच कह रहा हूँ, ये रंग आप पर खूब फबता है। यकीन आए तो सलमा से पूछ लेते हैं। क्या? मैंने जमीला से कहा कि ये रंग इस पर खूब फबता है, आपकी क्या राय है? अब आप कह रहे हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। जमीला जाओ, हमारे लिए चाय नाश्ता भेज दो। आप खैरियत से तो हैं? खैरियत से तो हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं। सलमा, ये ख्वाब नहीं, मैं हकीकत हूँ, हकीकत। कल रात हम बिल्कुल नहीं सो पाए। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा किसी काम में मन ही नहीं लगता। ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? हमारा चैन और करार लूट लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो आपका हमेशा भला चाहते हैं, आपके अच्छे दोस्तों में से एक हैं। आप घबराइए नहीं, हम अल्लाह से आपके लिए दुआ करेंगे। दिल के दर्द दुआओं से ठीक नहीं होते। जमीला को काफी वक्त लग गया चाय बनाने में, कहाँ रह गई? यहाँ हमारा जीना मुहाल हुआ है और आपको चाय की पड़ी है। जमीला, घर के काफी काम पड़े हैं, उसको भी तो पूरा करना है, जाओ। जी बाजी। इस तरह चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा।
जमील को जमीला की चंद झलकियां ही नसीब होती थीं। कई बार जमील के मन में आया कि वो सलमा को साफ साफ बता दे कि वो यहां उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बहन जमीला के लिए आता है, लेकिन जमील हिम्मत नहीं कर पाया। खैर, जमीला को वो अपने दिल की बात आंखों ही आंखों में कहने में कामयाब हो गया और एक दिन उसे जमीला का रुखा मिला। मेरी बहन जिस गलत फहमी में गिरफ्तार है उसे आप दूर क्यों नहीं करते? मैं जानती हूं कि आप मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन बाजी की मौजूदगी में बात नहीं हो सकती। अलबत्ता बाहर अब जहां भी चाहे मैं आ सकती हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन मुलाकात करूं तो कहां करूं और कौन सी जगह मुकर्रर करूं, और इस बात की खबर जमीला को कैसे दूं? सलमा के घर जाने के सिवा उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा। करीब करीब एक महीना वो सलमा से मिलने जाता रहा मगर कोई मौका नहीं मिला। भाई मैं तो सरेंडर। एक दिन जब सलमा जमीला को किसी बहाने से कमरे से बाहर निकालने वाली थी चाय पीना पसंद करेंगे? हाँ। जमीला जी बाजी चाय? हाँ जी। जमील ने बेरब्त अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, लॉरेंस गार्डन 5 बजे। ये आपने क्या कहा? आप ही से तो कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? लॉरेंस गार्डन 5 बजे। मैं चाहता हूँ कि कल पिकनिक हो जाए, आप मेरे साथ चलें। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? और हाँ, चिकन सैंडविच का इंतजाम मेरे जिम्मे रहा। आपकी मर्जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जमीला मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इस बात को जानती थी पर क्या करूँ, बीच में बाजी जो थी। तो अब क्या किया जाए? यूं इस तरह मिलना ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकेगा। वैसे भी कल मुझे तुम्हारी बाजी को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि इसका क्या हल हो सकता है। तुम हौसला रखती हो? क्यों नहीं, आप बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस बताइए कहाँ चलना है। कल शाम को 4 बजे तुम किसी ना किसी बहाने से यहाँ चली आना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ और उसके बाद हम रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे। अब तूफान भी आ जाए तो भी मैं तयशुदा वक्त पर पहुँच जाऊँगी। अपने साथ कपड़े लत्ते जेवर वगैरह मत लाना। क्यों? मैं तुम्हें खुद खरीद के दे सकता हूँ। मैं अपने जेवर नहीं छोड़ सकती, बाजी ने मुझे आज तक अपनी एक बाली भी पहनने के लिए नहीं, मैं अपने जेवर उसके लिए छोड़ जाऊँ? ठीक है जमीला, लेकर आना। ठीक है। दूसरे दिन जब सलमा बैठी सैंडविच तैयार कर रही थी, जमील और जमीला दोनों रेल पर सवार थे जो रावलपिंडी की तरफ तेजी से जा रही थी। रावलपिंडी पहुंचते ही जमील अपने दोस्त सुहेल के घर गया। इत्तेफाक से सुहेल उस वक्त घर पर अकेला ही था। उसने अपने दोस्त के साथ एक नकाब पोश औरत को देखा, उसे बहुत हैरत हुई, लेकिन उसने अपने दोस्त से कुछ नहीं कहा। जमील ने ही बात शुरू की। ये जमीला है, मैं इसे अगवा करके लाया हूं। भैया अगवा करने की क्या जरूरत थी? बड़ा लंबा किस्सा है, मैं फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। जमीला
तुम नकाब उतार सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। आदाब। आदाब। सुहेल मेरा अजीज तरीन दोस्त है। तो अब क्या इरादा है? शादी करने का, लेकिन अभी नहीं। मैं आज ही लाहौर वापस जाना चाहता हूँ ताकि वहां के हालात मालूम हो सके। मैं अगर वहां पहुंच गया तो किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। 2-3 दिन वहां रुकूंगा, उसके बाद तुम मेरी शादी का इंतजाम कर देना। बड़े अक्लमंद होते जा रहे हो तुम। तुम्हारी सोहबत का असर है। तो तुम आज ही चले जाओगे? अभी इसी वक्त। मुझे सरमाया हयात को तुम्हारे सुपुर्द करना था। ये मेरी अमानत है। तुम इसका ख्याल रखना। मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जमील अपनी जमीला को सुहेल के हवाले करके वापस लाहौर आ गया। वहां काफी गड़बड़ मची हुई थी। जब वो सलमा से मिलने गया तो सलमा ने शिकायत की कि वो कहां गायब था। जमील ने उससे झूठ कहा। मेरा यकीन करो सलमा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इसकी इत्तला ना दे सका। हमारे घर का टेलीफोन भी खराब हो गया तो और अम्मी ने नौकर को भी बरतरफ कर दिया। आपको नहीं मालूम मुझ पर यहाँ क्या गुजरी है। सब कुछ ठीक है ना? जमीला गायब हो गई है। क्या? हाँ, बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिले। अपने जेवर और कपड़े भी लेकर गई है। पता नहीं किसके साथ भागी है वो। ये तो बहुत बुरी खबर है। जमीला को ऐसे नहीं करना चाहिए था। सलमा तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। रो मत सलमा। जमील को जब इत्मीनान हो गया कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है तो वो टैक्सी से रावलपिंडी पहुंचा। वो बड़ा बेताब था। लाहौर में उसने 3 दिन कांटों पर गुजारे थे। उसकी आंखों में जमीला का हसीन चेहरा नाचता रहता था। जब वो अपने दोस्त सुहेल के घर पहुंचा। जमीला कहाँ है सुहेल? समील वो तो उसी रोज कहीं चली गई थी। मतलब ये कि जिस रोज तुम उसे यहां छोड़कर गए थे उसके 2-3 घंटों में ही वो गायब हो गई थी। गालिबन उसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं थी। क्या कह रहे हो तुम? जमील लाहौर आया, सलमा से मिला। मालूम हुआ कि उसकी बहन अभी तक गायब है। वो फिर रावलपिंडी गया ताकि जमीला को वहां तलाश कर सके। वो अपने दोस्त सुहेल के घर नहीं गया, होटल में ठहरना मुनासिब समझा ताकि सुहेल की मदद के बगैर वो जमीला को ढूंढ सके, तलाश कर सके। उसने एक होटल में किराए पर कमरा लिया। आदाब। ये रही आपकी चाबी? अभी वो
कमरे की तरफ जा ही रहा था कि सुनिए। हाँ जी कहिए। जी जी कहिए। आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ हाँ बताइए क्या काम है। लेकिन आज आपको सच सच बताना पड़ेगा। हमने नहीं कहा था आपको कि ये लिबास आप पर कितना फपता है? हाँ मान गए, बार बार क्यों बता रहे हैं? अच्छा भाई नहीं दोहराते। जनाब जी एक साहब आपके लिए देखे गए हैं। कौन सा? जी मुझे पता नहीं। मैं आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमीला को मेरा सलाम कहना। जमील जमील ने सलमा से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। गर्मियों में मरी गए तो उन्होंने वहां जमीला को देखा जिसका हुस्न मांद पड़ गया था। और निहायत वाहियात किस्म का मेकअप किए हुए थी। पिंडी पॉइंट पर यूं चल फिर रही थी जैसे उसे कोई सौदा बेचना हो। कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जमीला ने ऐसा क्यों किया? और सुहेल तो जमील का बहुत अच्छा दोस्त था। सुहेल दोस्त तो था, लेकिन जब असल दोस्ती निभाने का वक्त आया तो सुहेल बुरी तरह से नाकाम रहा, जिसे वो बर्फ कहता था। बर्फ, उसकी आग में उसने अपनी दोस्ती के रिश्ते को ही जला दिया। जमीला के बारे में तुम क्या सोचती हो? जमीला, आई फील उसने मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। उसका दिल भटकता रहा। वो अपने रिश्तों को लेकर संजीदा थी ही नहीं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पहले तो इस लफ्ज को ठीक करो। खामियाजा नहीं, सही तलफ्फुज़ है खामियाजा। जी सर, खामियाजा। इस कहानी का मतलब है दोस्त कहना तो आसान है, मगर दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल। समझदार हो। तुम्हें कब पता चला नाहिद अपने कमरे में नहीं है? मेरी अचानक नींद खुली, देखा तो नाहिद पलंग पर नहीं थी। और इस बात को कितना वक्त हो गया? हाँ, ये लगभग 20 मिनट हुए होंगे। कोई नहीं, किचन के पास वाले कमरे में तो गोविंद जी सो रहे हैं और मेन डोर बंद है। प्रोफेसर साहब के कमरे में? यू मीन टू से नाहिद प्रोफेसर साहब के कमरे में? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? अरे नहीं नहीं, देखो देखो तुम लोग पैनिक मत करो। किसी ने ड्राइंग रूम में देखा सके? हाँ मैं गई थी ड्राइंग रूम में, लेकिन वो वहां भी नहीं है। यार कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। मुझे रात को सोते हुए अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ये रही नाहिद। कहां गए थे तुम? क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग इस वक्त हमारे खाबगा में
क्या कर रहे हैं? व्हाट?